नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हरियाणा के सोनीपत से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मूर्थल के पास स्थित रॉयल ढाबे पर देर रात बदमाशों ने लूटपाट और खूनी वारदात को अंजाम दिया। क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मामला कल देर रात का है जब दिल्ली के एक परिवार से लुटेरों ने लूटपाट की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब वो लोग खाना खाने के लिए ढाबे पर रुके थे। बदमाशों को रोकने के लिए परिवार का बचाव करने आए एक शख्स को बदमाशों ने गोली मार दी। करनाल में असंध कस्बे के गांव डेरा धनौली निवासी इंद्रजीत सिंह ने मूर्थल थाना पुलिस को दी गई अपनी जानकारी में बताया है कि वो पंजाब के पटियाला में एक शादी समारोह में गए थे। उसके बाद किसी काम से उत्तर प्रदेश के रामपुर जा रहे थे। रास्ते में खाना खाने के लिए मूर्थल स्थित ढाबे पर रुक गए। देर रात खाना खाकर जब वो ढाबे से बाहर निकले थे, उन्होंने देखा कि तीन युवक कार में सवार एक परिवार के सदस्यों पर पिस्तौल ताने हुए हैं। बदमाश परिवार को धमकाते हुए बाहर निकलने को कह रहे थे। ये देखकर इंद्रजीत सिंह ने इसका कड़ा विरोध किया। विरोध करने बदमाशों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस बीच युवक ने गोली चला दी जो उनकी कमर पर लगी। इसके बाद बदमाश परिवार की ज्वेलरी और नकदी लूटकर फरार हो गए। बदमाश दिल्ली के तिलक नगर निवासी राजपाल के परिवार से दो सोने की चेन, एक कड़ा और चार अंगूठी लूटकर ले गए। राजपाल अपनी बहन, भतीजी एवं अन्य शख्स के साथ हाईवे से गुजर रहे थे। इसी बीच वो सभी खाना खाने के लिए रॉयल ढाबे पर गए थे, तभी ये घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि ढाबे के बाहर सीसीटीवी कैमरा में लूट की ये पूरी वारदात कैद हो गई है। खबर मिलते ही मौके पर एसपी जशनदीप सिंह रंधावा पहुंचे। वे मूर्थल थाने भी गए जहां उन्होंने मामले की जांच की जिम्मेदारी मूर्थल थाना के साथ ही सीआईए की टीम को भी दी है। साथ ही उन्होंने हाईवे पर रात को गश्त बढ़ाने और अपराधियों का पूरा डेटा एकत्रित करने को भी आदेश दिया है। उनका कहना है कि बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नव समाचार। शुक्रिया।